हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। गम से चूर हर आंख रोने पर मजबूर, कसूर में नन्नी ज़ैनब का कत्ल वीरानियां फैला गया। अंदोनाक वाके पर फिजा सोगवार, शहर भर में मुजाहिरे, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पर भी मुजाहिरीन का धावा और तोड़फोड़। पंजाब हुकूमत का कातिल की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान, जिम्मेदारों को 24 घंटे में पकड़ने का हुक्म भी दे दिया। कई घंटे गुजर गए, ज़ैनब का कातिल पकड़ा ना जा सका। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और खाके की मदद से भी मुलजिम तक पहुंचने में नाकाम। जीआईटीबी ताहाल ज़ैनब के घर ना पहुंच सकी। देखिए, हमारी तो ये कोशिश है कि विद नो टाइम जो है ये मसला हल हो जाए। इस वक्त भी कुछ लोग जो है वो इंटरोगेशन है, तो हमारी तो कोशिश ये है कि ये फौरी तौर से जो है ये मसला हल हो, और उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द हल कर देंगे। लगता है बच्ची दरिंदे को जानती थी, वीडियो का मुकाम भी बच्ची के घर से आधा किलोमीटर दूर है। कोशिश है फौरी तौर पर मसला हल हो जाए। वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्लाह की वजाहत। कसूर में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक, दो नौजवानों की नमाज जनाजा अदा, पूरा शहर उमड़ आया। खादिम रिजवी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। वजीर आला पंजाब का भी जाँ बहक अफराद के लवायकीन के लिए 30-30 लाख रुपए ऐलान का। चीफ जस्टिस साहब, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चीफ ऑफ आर्मी साहब, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर हम कानून बनाने वाले बेबस हो जाए, अदालतों में बेबसी हो गई, तो फिर हम किसको कहें? कानून बनाने वाले बेबस हो जाएं तो क्या करें? नुसरत सहर अब्बासी ने सीनेट असेंबली में सवाल उठाया, बोली ज़ैनब के कत्ल के बाद अपनी बच्चियों को तालीम कैसे दिलवाएं? ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी ना मिली तो कोई माँ अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाएगी। रेप के मुजरिमों को सख्त सजा देने के लिए कानून साजी का मुतालबा भी कर दिया। ऐवान ज़ैनब के हक में गूंजता रहा। डायरेक्ट आदमी, एक इंसान की जान को लेना आसान कोई है? एक ग्राउंड के अंदर उसको फांसी दिया दुनिया के सामने। ये दरिंदा है जो सफाक दरिंदा है, उसको सामने वाम के लाया जाए। शहबाज शरीफ की बेटी होती तो ऐसे होता? अगर राणा सनाउल्लाह उसकी बेटी होती तो क्या ऐसे होता? ज़ैनब के कातिल को फांसी दो, पूरी कौम यक जुबान। लाहौर में नन्नी परी के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरा, मेट्रो बस सर्विस के रूट को धरना देकर ब्लॉक कर दिया गया। फैसलाबाद के GTS चौक पर भी तलबा की पुलिस और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। कराची के शहरियों का भी मुजरिम को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। पिशावर प्रेस क्लब पर PTI विंग का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट में भी नन्नी ज़ैनब का तस्करा, ज़ैनब कौम की बेटी थी। वाकये पर पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। मुझसे ज्यादा मेरी अहलिया घर में परेशान बैठी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पूछा आज वकला ने हड़ताल किसके लिए की? हड़ताल सानहे कसूर के खिलाफ की जा रही है। एतजाज हसन का जवाब। शेखुपुरा में 8 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम अंजाम को पहुंच गया। शिराज उर्फ राजा पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम ने 6 रोज कब बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया था, पुलिस का दावा।
पाकिस्तान का अमरीका को करारा जवाब, खुफिया मालूमात का तबादला और फौजी ताउन मुअत्तल कर दिया। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं पाकिस्तान ने अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाई हैं, अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। नया वजीर आला बलूचिस्तान कौन होगा? फैसला 13 जनवरी को होने का इम्कान। साले भोतानी मजबूत उम्मीदवार। नून लीग का सरफराज बुगटी और जंगेर